बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में और उनके सीन्स और गानों के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा बॉलीवुड और बेल आइकन पर प्रेस करें। हाँ तो सरकार, किस लिए बुलाए मुझे? बल्लू बलराम पंडित, क्या तुम इस लड़के को पहचानते हो? बोलो हाँ कि ना। क्या कहना चाहिए मुझे, हाँ कि ना? दादा मैं, अरे अरे ये तो मुन्ना है सरकार, मेरा मुन्ना है सरकार। हाँ ये तुम्हारा मुन्ना है जो तुम्हारे गिरोह में काम करता है, ये तुम्हारे लीडर को नहीं तुम्हें जानता है। और आज तुम्हारे मुन्ने ने यह बयान दिया है, तुम और तुम्हारा गिरोह आने वाली 19 तारीख को हाई कोर्ट के जज श्री जगतपुरी का खून करने वाले थे और 21 तारीख को कॉलेज की बिल्डिंग में बम फेंकने वाले थे। बोलो हाँ कि ना। अरे मुन्ना तू सच बता दिया रे। हाँ, और उसने ये भी कहा कि तुम्हारी एक माँ है जो जिंदा है, यूपी के किसी गांव में, जबकि तुमने तुम्हारे बयान में हमेशा यही कहा कि तुम्हारे माँ बाप को मरे हुए 5 साल हो गए। करेक्ट? करेक्ट है सरकार। तो क्या ये झूठ बोल रहा है? अरे मैंने कब कहा सरकार कि ये झूठ बोल रहा है, ये तो नादान है, बच्चा है। अरे ओ मुन्ना, वो जोनसी बुढ़िया से जो तू मिला था ना, वो मेरी माँ नहीं है रे। अब सरकार मैं तो किसी भी बुढ़िया को माँ बना लेता हूँ, अनाथ हूँ ना, तो माँ कहते हुए अच्छा लगता है कभी कभी। और इसे देखो साहब, अरे ओ मुन्ना तू उनके 4 डंडों से डर गया रे, ये देख कितना मारा है मुझे। अरे इनका काम है मारना और हमारा काम है मार खाना, सरकारी गवाह बनना काम नहीं हमारा। और आप लोग भी सरकार, एक नन्ही सी जान को इतना मार रहे हैं आप, ये देखिए ये देखिए, अरे इसका मुंह सूजा दिया। अरे मारना था तो मुझे मारते, इसे क्यों मार रहे हैं आप? घबरा मत मुन्ना, रो मत, मुझे मारते सरकार। रामजादे सरकारी गवाह बन के आया तू? मुझे सरकार, मेरा काम हो गया सरकार। मारो अब और मारो, जज से मारो मुझे सरकार। मैंने आपके गवाह को मार डाला, मैंने आपके गवाह को मार डाला, मेरा काम हो गया, आपके गवाह को मार डाला सरकार। थैंक यू सरकार, आप मुझे यहाँ लेके आए, मेरा काम हो गया। गुड नाइट सरकार, गुड नाइट। इतना मारते हो यार, कभी कभी खाने के साथ दारू भी पिलाया करो। ये कानून का डंडा देखा है? दारू मांगोगे तो राम साहब इसे हलक में उतार देंगे। ये कानून का डंडा है, देखा? राम साहब का डंडा है। हाँ। इसे राम साहब को देना और कहना के घर ले जाए और इसकी बांसुरी बजाए। हरामी? तूने मुझे हरामी कहा? हाँ, हरामी कहा। हरामी कहा? आजकल उसका हाथ बहुत खुल गया है सर। छोटे लाल, सामने के गांव से शराब की बोतल ले आना। बहुत ताकत है ना तुझमें? क्या हुआ सर? बहुत चर्बी चढ़ गई है। अरे बोलिए तो सही, बहुत गर्मी हो गई तुझमें। पुलिस दाद उठाता है? हाँ पुलिस दाद उठाता तो नहीं करता। दारू पीने का तेरू, दारू पी और पीगा और पीगा, ये ले। बहुत लाड़ में आ गए साले, बहुत चर्बी चढ़ गई तेरे में, दिखा तेरी बॉडी, दिखा पुलिस वाले की भी बॉडी, देखा देख, ये देख पुलिस वाले की बॉडी देख, अब पुलिस वाले की ताकत भी दिखा था। बहुत लोगों को मारा ना तूने, इन्हीं हाथों से मुन्ना को मारा था ना तूने, इन्हीं हाथों से। चल बता, देखा कितनी ताकत है तुझमें, देखा
दारू चाहिए गॉड दावलदार को मारा था दावलदार को मारा था मुन्ना को मारा था मुन्ना को मारा था देख मौत के घुटन को देख ऐसी होती है मौत के घुटन ठीक नहीं है कंट्रोल योर सेल्फ सर रिलैक्स सर ओके रिलैक्स ओके पुलिस पुलिस वाले पे हाथ नहीं उठाना समझे ना सबक मिला पहले ये बता कि उसने मुझे क्यों मारा उसने तुझे इसलिए मारा क्योंकि तुमने पुलिसमैन को मारा तो फिर कह दो उसको कि बल्लू ने पुलिस वाले को फिर मारा दर्द हो रहा है? नहीं मजा आ रहा है। माँ माँ याद आ गई पुलिस से पंगा लोगे तो नानी भी याद आ जाएगी लाओ बाहर खड़े चलो उड़ो 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 दूध पियो चलो उड़ो सांप को दूध पिला रहे हो सरकार उस इंसान को जो सांप बनने की कोशिश कर रहा है कम ऑन आपका भी स्टाइल है सरकार कभी ये तो कभी ये वाह बल्लू मैं भी तुम्हारे दिमाग और हिम्मत की कदर करता हूं काश तुम मेरे भाई होते तो मैं तुमसे ये पूछता कि क्या तुम्हें ये एहसास नहीं कि तुम क्या कर रहे हो विदेशी दुश्मनों के हथियार बनकर तुम अपने ही देश अपनी ही चरणनी अपनी भारत मां के सीने में छुरा फोक रहे हो राम बाबू अब आपने मुझे भाई कहा है तो मेरे दिल की बात भी सुन लीजिए देखिए आप रहे सरकारी अफसर इसलिए अपने देश
और भारत माता के बारे में बात तो करेंगे ही, लेकिन कितने सरकारी अफसर हैं, नेता हैं, जो भारत माता के बारे में नारे लगा लगा कर अपनी जेबें भरते हैं, गरीबों पर गोलियां चलाते हैं, उनके मुंह से रोटी छीनते हैं। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है साहब। कुछ लोगों की बेईमानी को तुम अपनी गद्दारी का बहाना बनाकर गलत को सही नहीं साबित कर सकते बल्लो। जो गलत है सो गलत है। गलत या सही ये तो अपना अपना ख्याल है राम बाबू। आपके ख्याल में मैं खलनायक विलन, मेरे ख्याल में आप खलनायक विलन। आपकी भक्ति और भगवान आपका देश, आपकी सरकार, मेरी भक्ति और भगवान मेरा गिरोह, मेरा मालिक। नायक नहीं खलनायक हूं मैं। क्या सोच रहे हैं राम बाबू? सोच रहा हूं कितना जहर भर दिया किसी ने तुम्हारे दिमाग में। वो शैतान कितना खतरनाक आदमी होगा इसका एहसास मुझे आ चुका है। मैं कसम खाकर कहता हूं पल्लू, मैं तुम्हारे मुंह से गलवा के रहूंगा, खत्म कर दूंगा उस साले को। तो फिर मेरी भी चेतावनी सुन लीजिए राम बाबू। जिसे आप राक्षस कहते हैं उसे मैं गुरु मानता हूं, और उस गुरु की कसम आज से ठीक 5 दिन बाद मैं आपकी जेल से भाग जाऊंगा। 10 अक्टूबर 10 बजे पल्लू आपकी जेल से गायब, क्योंकि मुझे कसम है अपनी माँ की। जेल से भाग कर तुम उस शैतान से मिलोगे, यह हसरत तुम्हारी कभी पूरी नहीं होगी। और अगर तुम भाग गए तो राम सिन्हा अपनी दुनिया, अपना सुख चैन, अपना सब कुछ भूल जाएगा। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होगा, तुम्हें वापस यहां लाना, यहां जिंदा या मुर्दा। दस अक्टूबर रात के 10 बजे मैं आउट, बंदोबस्त करके रखना। बंदोबस्त? कोई बंदोबस्त करने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ धमकी दे रहा है। धमकी? ऑल इन द फैमिली राम, मेरी जेल की दीवारें कमजोर है, ताले कमजोर है, मैं कमजोर हूँ। अगर वो 10 अक्टूबर को भाग गया तो मेरी नौकरी, मेरा घर, मेरी बीवी तक मुझे छिन जाएगी। मैं कैसे छिनूंगी जी? वो ऐसे कि तुम्हें जेल से आए हुए मुफ्त अनाज, प्याज और घी खाने की आदत पड़ गई है। छोटे लाल, वर्मा से कह दो कि 9 अक्टूबर से पहले जेल की दीवारें, ईंटें, सलाखें, कोना कोना मजबूत कर दिया जाए। ये मेरा हुक्म है, डे एंड नाइट लेट्स फाइट। पल्लू भाई, आज 11 अक्टूबर रात के 2 बजे ये लोग आपके भागने का इंतजार कर रहे हैं।
मैं ये समझता था कि आप लोगों को अपनी काबिलियत और दिमाग की वजह से यहां रखा गया है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि एक कैदी की एक कसम को आप लोग इतनी गंभीरता से ले लेंगे। मतलब? पांडे जी, आप लोगों ने मुझे इतना मारा, मेरी नींदें हराम कर दी आप लोगों ने। सो मैंने सोचा कि आप लोगों की नींदें कैसे हराम करूं। मुझे मौका मिला और मैंने आपको भाग जाने का चैलेंज दिया और आप उस चैलेंज में आ गए और 5 दिन तक काम पर लग गए। आप काम करते रहे और मैं सुत्ता रहा। मुबारक। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं।